हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एबीसी फ्लाई। आज मांझे के ऊपर ही एक वीडियो हम बनाएंगे। तो देखिए, पहले बात यह है कि हमने मांझा घर पे देंगे क्यों, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारा मांझा अवेलेबल है और आप अगर जाएंगे एक रील मांझा, दो रील मांझा आपका लोकल दुकान से आपको मिल ही जाएगा। लेकिन जो बात है, पहली बात यह है कि वो मांझे का दाम बहुत ज़्यादा ले लेता है दुकानदार। हम जब छोटे थे, 4-5 साल 6 साल हुआ, हमारा मांझे के बारे में थोड़ा जानकारी मिला, लेकिन उससे पहले हमसे 1-1 हज़ार मांझा 250-300, 350-400 रुपया तक लेते थे। इवन कि लास्ट ईयर हमारा एक पाड़ा का एक दादा वो मांझा लिए थे, एकदम मतलब रद्दी किस्म का मांझा 600 रुपया 1,000 में लिए थे। 600 रुपया का 1,000 लेना का मतलब है 12,000 मांझा का दाम हो गया 7,200 रुपया। ऐसे मांझा बिकते हैं कोलकाता में, और कोलकाता में इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है, चारों ओर फ्रॉड होता है इतना ज़्यादा कि आप मान ही नहीं पाओगे। तो आप अगर छत से पतंगबाजी करते हो, आपका अगर यार में मांझे का डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, आप 1-2 हज़ार मांझे में आपका काम हो जाता है, आप 15 अगस्त के दिन या फिर विश्वकर्मा पूजा के दिन या फिर कोई स्पेशल हॉलीडे के दिन में पतंगबाजी करते हैं, तो आपका घर पे मांझा देना बहुत ही एक अच्छी बात है, लाभदायक बात है। क्यों? क्योंकि आप घर पे जो मांझा देंगे उसमें जो मटेरियल आप देंगे वो आपका, देखिए मांझे में काम करता है मटेरियल, और दूसरा जो बारीकपन आता है वो कांच से आता है, और आप हाथ पे कैसे मांझा सूखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं मांझा कैसे होता है। आप देखिए, हम जब घर पे मांझा देते हैं ये नहीं होता है हर टाइम कि बहुत अच्छा मांझा हो जाता है। आप देखेंगे आप जब घर पे मांझा देंगे, मांझे में खींच रहेगा, थोड़ा मटेरियल उठा रहेगा, मतलब थोड़ा आपको हाथ पे जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो आप मांझा बाहर से खरीदते हैं उस मांझे के लिए जैसे नहीं लग रहा है। हालांकि हम तो बहुत दे के अभी हम जब मांझा देते हैं आप देख के पता नहीं कर पाओगे कौन सा हाथ पे दिया हुआ है या फिर दुकान से खरीदा हुआ मांझा है। लेकिन जो हम बात बोल रहे हैं ये आप ध्यान से गौर कीजिए कि देखिए, मांझे का ये जो बारीकपन, ये काम करता है जब आप मैदान में पैच लड़ाओगे या फिर छत से बहुत दूर के रेंज के पैच लड़ाओगे। जब तक आपका सूता, जब तक आप डोर को मतलब ऐसे करके लड़ाओगे जहाँ पर डोर बहुत देर तक घिसेगा या फिर आप फंसा के पैच खेलोगे बहुत ज़्यादा, तो फिर आपका मांझे का ये सब चीज़ काम पे आएगा। आप अगर नॉर्मली खींच के पैच खेलते हैं, हम तो एक चीज़ जानते हैं, अगर मांझे में भात रहेगा और कांच रहेगा तो पतंग आप काट ही सकोगे, ये एकदम 100% गारंटी है। कोई मटेरियल एसेंशियल नहीं है भात और कांच के अलावा। भात और कांच अगर ठीक ठाक रहेगा और अगर आप मांझा ठीक से दिए हुए हैं तो आप पतंग काट पाओगे। आप जो मटेरियल हम मिलाते हैं उससे क्या होता है, उससे मांझे का बारीकपन और ज़्यादा बढ़ता है, उससे मांझा और भी अच्छा होता है। और वो मटेरियल, हर एक मटेरियल का अलग अलग काम होता है मांझे में, जो काम वो कर जाता है, जब आप फिर वो मांझे से आप बड़ा पैच भी खेल सकते हो। लेकिन मैंने जो बात बोला, सिर्फ मांझे आपका सब कुछ मटेरियल आपको मिल गया, लेकिन आप डोर को ठीक से तान नहीं पाते हो, आप डोर को ठीक से मांझ नहीं पाते हो, तो आपका मांझा अच्छा नहीं होगा। ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। और आप एक बार मांझा देके आप देखोगे कि मांझे खुरदुरा हो गया है, ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप अगर हाल छोड़ दोगे तो आप कभी नहीं बना पाओगे। तो 1,000-2,000 मांझा आप पहले मत दीजिए, आप पहले 250-200-4-5 राउंड करके ऐसे करके दीजिए। और मांझा जब देंगे आप टेक्निक में दीजिए, हम आपको इस टेक्निक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। हम बहुत सारा वीडियो बनाए हैं कैसे हम डोर को तानते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाया है, जिस पोस्ट के साथ हम तानते हैं उधर जो व्हाइट पोर्शन रह जाता है उसको हम कैसे हटा के उधर से फिर उसको मांझा देते हैं, ये भी हमने वीडियो दिखाया है, और हम मांझे देने का वीडियो भी दिखाए हैं। लेकिन आज आपको जो दिखाएंगे कि मांझे का लुद्दी कैसे होना चाहिए और मांझे आपको कैसे देना पड़ेगा। हम जो पहले सबसे बड़ा गलती करते हैं, हम कांच में बहुत ज़्यादा, मतलब कांच हम देते ही नहीं, हम सोचते हैं कि कांच ऐसा मटेरियल है कि हाथ कट जाएगा, ज़्यादा कांच देना नहीं चाहिए। देखिए, ज़्यादा कांच देना नहीं चाहिए, ये ठीक बात है, ज़्यादा कांच अगर आप मिला दोगे तो बहुत जल्दी आपका लुद्दी सूख जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत कम कांच दोगे तो उसका जो स्टार्च के पोर्शन है, मतलब भात का जो पोर्शन है या फिर दूसरा कोई ग्लू आप यूज़ कर रहे हो तो उसका जो पोर्शन है, या फिर ताज मैदा लकड़ी जो यूज़ कर रहे हैं आप, और फिर इसबगुल जो यूज़ कर रहे हैं, इसका जो आटा होता है, जो इसका ग्लू होता है, वो ऐसे चिपक जाएगा आपका हाथ पे, चिपक जाएगा फिर डोर पे चिपक जाएगा, ये सब चीज़ के लिए मांझा आपको अच्छा नहीं होगा। आपका दिखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, अच्छा हो रहा है, लेकिन वो मांझे के अंदर खींच रह जाएगा। तो आपका कांच का प्रोपोर्शन ठीक देना चाहिए, वो देखिए एकदम ऐसे नहीं होगा कि हम इतना बनाया मतलब इतना ही दे देंगे तो पूरा हो जाएगा, ये केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला नहीं है।
आप 10 बार मांजा देंगे, देखिएगा 10 बार में 10 टाइप का मांजा हो रहा है आपको, और ये हाथ का हिसाब से आपका ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आप हिम्मत मत हारिए और देखिए 1,000, 2,000, 3,000 मांजे के लिए आप घर पे बहुत आसानी से 100 रुपये के अंदर आप 1,000 मांजा तैयार कर ले सकते हो, जो आपको एक अच्छा मांजा मार्केट से खरीदने में 300-350 रुपये आपको मिनिमम ले लेगा। वो फ्रॉड करता है, फिर उसमें लेंथ भी ठीक नहीं रहेगा, और अगर आप मिटिया ब्रूथ से मांजा लेते हो, हम कोट अनकोट बोलते हैं मिटिया ब्रूथ से आप अगर मांजा लेते हो, अगर कोई रिनाउंड शॉप से आप नहीं लेते हो तो उसका जो डोर है उस डोर का माप कभी नहीं ठीक रहता है, कभी भी ठीक नहीं रहता है, ये आपको हम बोल दे रहे हैं। हमको पता नहीं फिर लोग हमको क्या कहेंगे, लेकिन ये बात आपको हम बोल रहे हैं, मीडियम रूप से अगर आप डोर लोगे तो मांजे का लेंथ एकदम से ठीक नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। कोई अगर मुझको रॉन्ग प्रूफ कर सके तो मैं खुश होऊंगा और मैं भी लूँगा, लेकिन क्योंकि मैं जब छोटा था बहुत टाइम हम मिटिया ब्रूथ से मांजा लिए हैं, या फिर लोकल बहुत काइट शॉप से हम मांजा लिए हैं, जहाँ अभी जब हम मांजा देते हैं इससे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि एक्रिल मांजे में कितना ज़्यादा डोर होता है, और आप जब दुकान से खरीदोगे देखोगे कि 2 रील का जितना डोर होता है उसमें 3 रील 3.5 रील 4 रील उसने बना देता है। क्यों? क्योंकि इसमें उसका प्रॉफिट है, वो थोड़ा मोटा करके मांजा, उसका जो रैपिंग है और फिर वो जो चरखी पे चढ़ाते हैं, ये सब का ऐसे टेक्निक है, आप देख के समझ नहीं पाओगे, आपको लगेगा पूरा चरखी फुल है, लेकिन वो थोड़ा ढीला करके ऐसे करके वो मतलब मांजा को लपेट देंगे कि आप समझ नहीं पाओगे। तो अगर आप घर पे मांजा दे रहे हो तो लेंथ का आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, आप मटेरियल अच्छा दे पाओगे, थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन फ्री फायर खेलने से तो ये अच्छा है। घर बैठ के बच्चे लोग जो है क्लास 9, 10, 11, 12 में जब पढ़ते हैं वो पूरा आउटडोर गेम बंद, सब कुछ बंद, अभी सिर्फ फ्री फायर या फिर जब पबजी था उसमें पूरा घुस गया था। इससे अच्छा है कि आप घर पे बैठ के मांजा बनाइए, आपको फिजिकल भी थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा और काम भी अच्छा होगा। तो आज हम आपको हम दिखाएंगे कि मांजे का जो हम लुद्दी बनाते हैं वो किस हिसाब से बनाते हैं, और जब चढ़ाते हैं तो कौन कौन चीज़ हम दिमाग में रख के फिर चढ़ाते हैं ताकि मांजा बारीक बने और मांजा मोटा ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए आज हम ये आर्टिकल 1, 2, 3 इसमें मांजा देंगे, 900 मीटर का थ्रेड है, आप तो जानते ही है, ये ऑल इंडिया टूर्नामेंट क्वालिटी का जो थ्रेड है ये है 80-57 और इस पे दिया जाता है। इसका देखिए मार्केट प्राइस लिखा है 55 रुपया, और हमको ये लूज़ हम लिए थे तो 50-45 रुपया इसके आसपास आपको पड़ेगा। अभी इसका प्राइस पता नहीं क्योंकि सब दुकानदार बोल रहे हैं कि ये डोर अभी मार्केट पे अवेलेबल नहीं है ठीक से, तो इसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे हम मांजा देंगे और दिखाते हैं आपको कि मांजा देने में हमको क्या क्या चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने डोर को तान लिए हैं, हाफ रील डोर ताने हैं, तो इसके एक चीज़ आपको बता देते हैं। देखिए डोर जब आप तानेंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस डोर में खिंचाई होना चाहिए, मतलब ये लूज़ नहीं होना चाहिए। देखिए ये थोड़ा लूज़ है, देखिए ज़्यादा लूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा आप टाइट कर दोगे तो ये टूट सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे आप टाइट करो कि टूटे भी ना और टाइट भी रहे, और जितना टाइट आप कर सकोगे उतना ही आप नज़दीक डोर को रख पाओगे, क्योंकि अगर डोर टाइट नहीं है और आप बहुत नज़दीक इसको कर दिए तो क्या होगा, एक डोर के ऊपर एक डोर चलाएगा, तब मांजा देने में प्रॉब्लम होगा। एक डोर अगर एक डोर के ऊपर चढ़ जाए तो मांजे में ठीक ठाक मतलब मांजे में खींच हो जाएगा, किसी जगह ठीक से पड़ेगा किसी जगह ठीक से नहीं पड़ेगा, ये प्रॉब्लम होगा। तो पहले जो प्रोसेस है डोर को तानना, ये आपको आपका हिसाब से थोड़ा टाइट करके ही तानना पड़ेगा। देखिए हमारा डोर मतलब तान करके ही हमने ताना है, इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो ये पोस्ट है लकड़ी का ये बहुत नाजुक है, ये टूट सकता है, इसलिए इससे ज़्यादा टाइट हम कर नहीं पाए। तो हाफ टिल मांजा हमने देंगे, तो देखिए ऐसे हम डोर तानते हैं। देखिए आज हमने ब्लैक कलर का मांजा देंगे और ब्लैक लुद्दी तैयार किए हैं, तो पूरा एकदम ब्लैक पाने के लिए सिर्फ ब्लैक कलर मिलाने से नहीं होगा, आपका थोड़ा ब्राउन और उसके साथ ब्लैक मिलाना पड़ेगा। अब देखिए अगर इसमें चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होता, मतलब अगर इसमें ग्लू का पार्ट ज़्यादा होता तो हाथ पे इतना खराब तरीके से ये लग जाता कि आपको उंगली से छुड़ाने में टाइम लग जाता। आप देखिए इसका उंगली आप अगर देखेंगे तो देखिए ज़्यादा इसका उंगली पे नहीं लगाया हुआ है, देखिए सिर्फ कलर जो है वो लगा हुआ है थोड़ा हाथ पे, लेकिन उंगली पे लुद्दी बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। तो यही होना चाहिए, उंगली में लुद्दी लगे भी ना और इसमें थोड़ा मतलब सॉफ्टनेस भी रहे, तो ये लुद्दी में सॉफ्टनेस भी है, नहीं तो डोर पे नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाने से डोर पे नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने जाने से हाथ पे लग जाता है और डोर पे ठीक से मतलब डोर पे जब लगता है तो बहुत ज़्यादा खींच हो जाता है। देखिए ये डोर कैसे लिया है, पहले देखिए
हाथ पे, चार उंगली के बीच से ऐसे चार डोर लिए हैं, और ज़्यादा डोर ले सकते थे लेकिन नहीं लिए हैं क्योंकि ये इधर हमारा जो डोर है ये ज़्यादा टाइट करके हम टान नहीं पाए, इसलिए बहुत नज़दीक हमने डोर नहीं लगाया है, इसलिए हमने चार से ज़्यादा डोर नहीं टाने हैं। आप देखिए ये प्रोसेस अच्छे तरीके से देखिए, ये बाएं हाथ से जो कर रहा है, देखिए बाएं हाथ से डोर को थोड़ा खींच के तान के फिर दाएं हाथ से लुद्दी चढ़ा रहा है। ये टाइटनेस और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बीच में ये जो कॉम्बिनेशन है ये अगर ठीक नहीं रहेगा तो आपका डोर क्या हो सकता है, एक के ऊपर एक उठ जा सकता है और डोर में खींच आ सकता है। तो ये टाइटनेस रहना चाहिए, टाइटनेस जितना होगा उतना मांजा बारीक होगा, उतना नैरो होगा डोर, लेकिन अगर टाइटनेस छोड़ दे तो मांजा मोटा हो जाएगा और तब अगर फंस के आप लड़ोगे तो वो अच्छा काम नहीं करेगा। तो आपको हम दिखाएंगे कि एक कोट चढ़ाने के बाद ये डोर कैसे बारीक हुआ है और कैसे इस पर लुद्दी चढ़ा हुआ है, ये दिखाएंगे आपको। देखिए ये एक बार कोटिंग पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए एक बार कोटिंग चढ़ चुका है और ब्लैक कलर का हो रहा है, तो देखिए ऐसे लग रहा है डोर, और ये पूरा प्लेन नहीं होगा, थोड़ा खुरदुरा मांजा होगा, ये इसमें खुरदुरापन भी रहेगा और इसमें धार रहेगा और हम पतंग काट भी सकते हैं। देखिए पहले हम बहुत ही नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं पहले कोटिंग चढ़ने के बाद मांजे कैसे हुआ है। तो देखिए पहली बार की कोटिंग हम चढ़ा चुके हैं और आपको दिखाते हैं, देखिए ऐसे हुआ है मांजा, ये एकदम फाइन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ये बात है आपको हम बोलना चाह रहे थे कि हम जो ग्लास पाउडर यूज़ किए हैं वो ग्लास पाउडर बहुत बारीक नहीं था, उसमें थोड़ा सा दाना हल्का मोटा मोटा दाना था। तो आप जो मटेरियल दोगे वो जितना बारीक होगा आपका मांजा भी उतना ही फाइन होगा। तो आप देखिए ये जो हम इधर जो डोर दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये जो पार्टिकल उठा हुआ है, मतलब ये जो एकदम छोटा छोटा आप देख नहीं पाओगे शायद, लेकिन फिर भी हम बहुत ही नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो उठा हुआ है उसका कारण है जो कांच हमने यूज़ किए हैं, जो ग्लास हमने यूज़ किए हैं वो ग्लास एकदम बढ़िया तरीके से कुटाई नहीं किया हुआ था, इसलिए ये चीज़ हुआ था। तो आपको मांजा में खींचना पड़े इसके लिए क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, नंबर वन जो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आप थोड़ा याद रखिए, नंबर वन जो चीज़ आपको याद दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब आप डोर के ऊपर मांजा तानोगे, जब मांजोगे तब एक डोर के ऊपर ऐसे नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसे पड़ जाए जब आप तान रहे हो तो किसी डोर पे अच्छा करके पड़ेगा, किसी डोर पे नहीं पड़ेगा, और फिर जो जगह ऐसे चिपका हुआ रहेगा उस जगह का मांजा ख़राब हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा ये क्यों होता है, ये एक डोर के ऊपर एक डोर चला जाता है, उसका कारण है इसका खिंचाई ज़्यादा ना होने से, इसका टान ज़्यादा ना होने से। तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये डोर तान करके आप जब तान रहे हो तब इसके ऊपर टेंशन बराबर रहे, और जब आप पकड़ रहे हो तब ऐसे उंगली के अंदर पकड़ के और लेफ्ट हैंड को ऐसे थोड़ा तान के फिर राइट हैंड से आप लुद्दी को लेके आप चढ़ाओ। अब ये तो जिसका बात है, जो लेफ्ट हैंडेड हो वो राइट हैंड से इसको तानेगा और लेफ्ट हैंड से लुद्दी चढ़ाएगा, वो उसका बात है, लेकिन देखिए ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। और अगर ये डोर आप बहुत नज़दीक तान सकते हो, आप तान सकते हो तो एक उंगली में आप दो करके भी, मतलब इधर एक ऐसे करके भी डोर ले सकते हो, तब भी मांजा बढ़िया बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो पोर्शन है, देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जो गैप है ये गैप बहुत कम होना चाहिए, और बहुत गैप, जितना गैप कम होगा डोर में तान उतना ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। तो ये जो लकड़ी पे आप काम करोगे तो ये लकड़ी भी अच्छा होना चाहिए, और देखिए बाहर पे ये लकड़ी पड़ा हुआ रहता है तो बारिश में ये भीगता है तो इसका टेम्परमेंट लूज़ हो जाता है। तो जब आप मांजा दोगे, ये चीज़ बहुत ही आम चीज़ है लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आप पीछे ऐसे एक डोर देके देखिए, इधर एक हमने नेल रख के उसके साथ इसको हमने बांध दिए हैं, तो ये बांधना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके ऊपर जब आप पूरा एक रील या हाफ रील मांजा जब दोगे, जब डोर तानोगे तो इसके ऊपर टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, ये लकड़ी के ऊपर टेंशन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
तो ये सब करके आप मांजा दीजिए और जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना होगा। तो हमने पहली कोटिंग चढ़ाए हैं और दो कोटिंग चढ़ाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे फाइनली मांजा कैसे हुआ है। देखिए अभी मांजा को चरखी पे लपेट लिए है और पूरा ब्लैक कलर का मांजा हुआ है। आपको बोल ही दिया ये मांजा बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका जो ग्लास पाउडर था वो ग्लास पाउडर बहुत अच्छा क्वालिटी का नहीं था। इसलिए देखिए कैसे लग रहा है, आपको दिखा रहा हूँ फिर भी मैं, आपको देख के पता नहीं चल रहा, देख के लगेगा बहुत ही अच्छा हुआ है। देखिए हुआ भी अच्छा है, ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन इसको आप जब मतलब पकड़ के जब देखोगे तब आपको समझ चलेगा कि थोड़ी इसमें खुरदुरापन ज़्यादा है। इसका एकमात्र रीज़न है कांच, फिर भी ये जगह ठीक ठाक ही हुआ है। देखिए ये देखिए, बहुत ही जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए फोकस होने से आपको दिखेगा, देखिए थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पार्टिकल इधर है। परचेस किया हुआ कांच है ये, हमने हाथों का बनाया हुआ कांच नहीं है, एक से परचेस करके लिए थे, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कांच का क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो कांच अच्छा बनाएंगे फिर देखिएगा मांजा भी अच्छा हो रहा है, ये भी मांजा अच्छा होगा। अभी आपको पैच खेल के हम रिव्यू भी करेंगे इस मांजे का। तो चलिए दूसरे वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और घर पर रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, बार बार हाथ धोइए, कोविड जो नियम कानून है सबको पालन करें, यही बोलूँगा। और सब हेल्दी रहिए, पतंगबाजी करिए। गुड बाय, सी यू अगेन।